तो हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब पर आप देख रहे ट्यूबल गेमिंग। तो गाइस क्या चल है? तो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड। जी हाँ गाइस, और आज हम बनाएंगे आयरन फार्म। और जो आयरन है वो तो सबको मालूम है इतना यूजफुल है। तो गाइस शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वैसे फार्म बनाने से पहले मेरे आर्मर चाहिए, वो भी डायमंड का एंचरमेंट भर भर होना चाहिए। और टूल भी चाहिए, तो दो में मेरा आर्मर को एंचरमेंट कर लेता हूँ। इस करने से पहले थोड़ी एयर से सामान ले लेता हूँ। बहुत सारे लेदर चाहिए और मुझे शुगर भी चाहिए, क्योंकि शुगर से पेपर बनाऊंगा, पेपर से मुझे बुक बनेगा और बुक से बुक शेल बनेगा। तो बस मैं सामान तो ले लिया, मैं सीधा आप मेरा घर पे जाता हूँ। तो बस मैं फाइनल घर पे आ चुका हूँ और सामान जैसे थोड़ी बहुत ले लेता हूँ। प्लैंक चाहिए, वुड चाहिए बहुत सारे, तो ले लेता हूँ। और काफी वगैरह तो बहुत सारी वुड बना लेता हूँ पहले, वुड का प्लैंक। तो ये बहुत सारे बन चुका है, आई थिंक इतना इनफ है। बाद में ज़रूरत होगा तो बना लूँगा। तो मुझे चाहिए पेपर, और पेपर बनाने के लिए चाहिए शुगर। तो मैं शुगर लेके आया हूँ, तो मैं बहुत सारे पेपर बना लेता हूँ पहले। तो गाइस बहुत सारी बुक बन चुका है और मुझे चाहिए बुक शेल्फ। तो ये रहा बुक शेल्फ का रेसिपी। तो मैं बहुत सारी बना लेता हूँ और इधर ऐसे करके लगा देता हूँ। इसका ऐसा करके लगाना चाहिए। जो एक करने से क्या होगा, जो एंचरमेंट है वो ज़्यादा अच्छे लेवल में मिलेगा। तो ऐसा करना ज़रूरी है, ऐसे करके 30 लेवल का एंचरमेंट मिलेगा। तो दो मिनट तो मैं थोड़ी सी एंचरमेंट करके आता हूँ। और मुझे इसके लिए एक्सपीरियंस लेवल चाहिए, मतलब एक्सपी लेवल, वो भी मेरे पास है। नीचे एक फार्म ही है, तो दो मिनट तो मैं पूरा करके आता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरा एंट्रेंट एंड डायमंड आर्मर रेडी है, देख सकते हो बहुत ओपी है। तो गाइस फाइनली मेरा टूल भी रेडी, और ये मेरा बो है, वन शॉट करेगा। ये रहा कीपर का, तो क्या ओके चला गया। और मेरा जो शॉट है ओपी ओपी है। तो गाइस मैं अब माइनिंग पे आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे रिसोर्स चाहिए, ब्लॉक चाहिए, और मुझे डायमंड भी थोड़ी बहुत मिल जाएगा इधर से। तो दो मिनट तो मैं बहुत सारी माइनिंग करके मिलता हूँ और बहुत सारे रिसोर्स इकट्ठे करके मिलता हूँ। तो गाइस आधा घंटे के बाद माइनिंग करके मैं मेरे हाउस में आ चुका हूँ। और जितना भी सामान मिला इस जस्ट में रख देता हूँ। और मुझे थोड़ी बहुत डायमंड भी मिला है, और डायमंड शायद 35 डायमंड मिला था, और इतना इनफ है। आधे घंटे का मेहनत तो इतना बनता है। और मुझे बहुत सारे और सामान मिला, उस बात को छोड़ो। और अब मुझे चाहिए एक फ्लैट एरिया ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उधर मैं फार्म बनाऊंगा। इस एरिया में बना नहीं सकता, क्योंकि इधर बहुत सारे गड्ढे हैं और बहुत सारी पहाड़ है। तो इधर मैं बना नहीं सकता, और इधर विलेज भी है। तो दो मिनट दो मैं फ्लैट एरिया ढूंढ के मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली बहुत ढूंढने के बाद एक प्लेन बाय मिल गया, और देख सकते हो ये बहुत अच्छा लोकेशन है फार्म के लिए। तो एरिया चुना, इसके बाद मैं घर गया, जाके बहुत सारे उठ काटा। उठ काटने के बाद जब ये सामान था उसको फर्नेस में डाला और स्मेल्ट करा। करने के बाद मैं सीधा इधर वापस आ गया और इस चेस्ट में रख दिया। इसके बाद मेरा फार्म के साइड में एक बिलस मिल गया था, तो मैं बिलस में चला गया। बिलस में जाते देखा एक ब्लैक स्मिथ, तो मैं जाके चेस्ट को देखा इसमें क्या है। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिला, सिर्फ कुछ सैडल और कुछ खाना था। तो मैं जितने सामान था ले लिया। इसके बाद जो विलेजर है उसका घर में बंद कर दिया, क्योंकि विलेजर सब में से डरते हैं और ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। इसके बाद और एक ब्लैक स्मिथ मिल गया, इसको भी लूट डाला मेरा, किसी को छोड़ा नहीं। करने के बाद बस मैं मेरा फार्म के एरिया में आ चुका हूँ, और इस एरिया को मुझे फ्लैट करना है, क्योंकि वो इधर फार्म बनाऊँगा। तो दो मिनट दो मैं इसको फ्लैट बना के मिलता हूँ। तो बस फाइनली जितना भी एरिया था उसको फ्लैट कर दिया, और मेरा सवाल भी ऑलमोस्ट जाने ही वाला है। और इसके बाद मैं फार्म के लिए थोड़ी बहुत सामान बना लिया। तो गाइस फार्म के लिए मुझे 20x20 एक एरिया बनाना है, तो दिखाता हूँ कैसा होगा। ऐसा होगा 20x20 एरिया। तो गाइस आप मुझे बहुत सारे स्टेयर चाहिए होगा, तो मैं बहुत सारे स्टेयर बना लेता हूँ। तो गाइस बन गई। आप मुझे इधर करके ऐसा करके लगाना है, 20x20 एरिया में पूरा मैं लगाना है। तो दो मिनट में पूरा लगा के मिलता हूँ। इसके बाद इन्फिनिटी वाटर सोर्स बनाना है, तो ये बन गया। आप इधर मैं एक पानी डालता हूँ, और एक पानी लेकर आना पड़ेगा। तो ये रहा पानी, इधर से ले लेता हूँ। तो आप इधर डाल देता हूँ, हो गया इन्फिनिट वाटर सोर्स। तो अब इसको कर लगेगा, इधर लगाना है। तो मैं बहुत सारी पैकेट बना लेता हूँ, काम इजी हो जाएगा। तो ऐसा करके पूरे में लगाना है। दो मिनट में लगा के मिलता हूँ।
तो अगर ये फाइनल हो चुके हैं, मैं दिखा तो कुछ ऐसा होगा। तो ये रहा, अब क्या करना है, सीधा नीचे जाना है, जो पानी ले जाएगा बीच में जो चार ब्लॉक होगा, तो इधर सीधा डिग करना है। तुम जितना भी चाहो, मैं मेरा मदद से डिग करता हूँ। एक और 15 ब्लॉक खोदना है, क्योंकि इधर आने जाने का रास्ता होगा। इसके बाद इधर एक क्लीन चैम्बर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले 2 चेस्ट, इसके पीछे 4 हॉपर लगाना पड़ेगा, और इसके ऊपर आएगा साइन बोर्ड, और साइन बोर्ड के ऊपर आएगा लावा, जिससे आयरन ग्राउंड डैमेज पड़ेगा। सबको मालूम है, क्या ही बोलूँ आप। इसी बीच मुझे एक रेयर आइटम मिल गया, जो है एमरल ओर्स। इसके बाद छोटा सा स्टोरेज एरिया बना के इसके ऊपर से ग्लास से कवर कर देना, जैसे कि थोड़ा सा ढंग से दिखे। मेरी रेडी, और मैं ऊपर से लावा डाल दूंगा। अब मैं बहुत सारी ऊँट ले लेता हूँ, क्योंकि ऊँट का ज़रूरत है। ऊँट को लेके कुछ ऐसे करके 2 लगाना है, इसके बाद एक गैप देके और 2 बोल्ट को लगाना है। इधर आएगा हमारा विलेजर, तो ऐसे करके पूरे में लगाना है। 2 मिद्दे में पूरा लगा के आता हूँ। अब पूरे में ऐसे करके क्रॉप कर देना है, तो 2 मिद्दे में पूरा करके आता हूँ। इसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा। मैं मेरा हाउस में आ चुका हूँ, मुझे बहुत सारी ऊँट चाहिए, तो इस चेस्ट में रखा है, तो मैं ले लेता हूँ जितना भी बन पर है। तो गाइस, मैं साथ में लावा भी लाया हूँ, तो लावा ठीक इस साइन बोर्ड के ऊपर डालना है। तो मैं दिखाता हूँ, कुछ ऐसा करके साइन बोर्ड के ऊपर ऐसा डाल देना है। तो इससे क्या होगा, गोले में डैमेज पड़ेगा और मर जाएगा। और इसके बाद 3 ब्लॉक ऊपर आके इधर 6x6 एक एरिया बना लेना, क्योंकि इधर बेड चाहिए, बेड लगाना पड़ेगा। और बेड के बिना तो गोलन स्पॉन नहीं होगा, क्योंकि ये माइनक्राफ्ट का रूल्स है। तो टोटल 20 बेड होना ही चाहिए, और 10 विलेजर, एक गोलन स्पॉन का रूल है, नहीं तो गोलन स्पॉन नहीं होगा। और मैं 20 से ज़्यादा लगाऊंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा गोलन मतलब ज़्यादा आयरन चाहिए। तो 2 मिनटों में लगा के मिलता हूँ। तो नीचे का जो भी ब्लॉक है उसको तोड़ देना, क्योंकि नहीं तो गोलम इधर नीचे नहीं जा पाएगा, इधर ही रुक जाएगा। बाद मैं विलेजर के लिए छोटा सा एक प्यारा सा घर बनाया। इसके बाद मैं चला गया विलेज में, और विलेजर को बोर्ड में बिठाया, और लीड से बन के मैं दोनों विलेजर को कैसा ना कैसा करके मैं मेरे फार्म पर लेके आ चुका हूँ। इसके बाद मैंने बहुत सारे ब्रीडिंग कराया विलेजर को। इसके बाद मैं बहुत सारे आयरन ढूंढ के स्मेल्ट कराने लगा दिया, क्योंकि मुझे बहुत सारी रेल भी चाहिए। तो बस ब्रीडिंग के बाद इधर सारा विलेजर हो गया जमा, और मुझे बहुत सारी रेल चाहिए, तो बहुत सारी रेल बना लेता हूँ। तो ये रहा, और मुझे बहुत सारी माइनिंग कार्ट चाहिए, तो वो भी बना लेता हूँ। बहुत सारी नहीं, सिर्फ 2 ही काफ़ी है, तो मैं 2 बना लेता हूँ। इसके बाद विलेजर को टैप करना है, तो मैं दिखा तो कैसा टैप करना है, ऐसे रेल कट को लगा के ऐसे धक्का देना है, तो ऐसे करके उधर गिर जाएगा। वापस आ भी गया तो इसको जोर से धक्का देना, ऐसे करके वो जाके गिर ही जाएगा, या उधर जाके रुक जाएगा। तो इधर जाने के बाद इसको रेल कट को तोड़ लेना, तोड़ के इसको ब्लेजर को नीचे गिरा देना। तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ और नीचे गिर गया। तो ऐसे करके मैं पूरे में ब्लेजर को टैप करना है, तो 2 मिनटों में ब्लेजर सारे टैप करके मिलता हूँ। तो इसके बाद ऐसे करके ढक देना है पूरे में, तो 2 मिनटों में ऐसे भी करके आता हूँ। बहुत सारी ट्रैप डोर बना लेना है, और ट्रैप डोर क्या चाहिए, इसको सामने के ब्लॉक तोड़ के लगा देना है, और इसको ऐसे बंद कर देना, जैसे कि ब्लेजर को कोई ज़ॉम्बी टच ना कर पाए। ऊपर का जो भी वुड दिया है, इसको मैं ऐसे क्रॉप कर देता हूँ, जैसे कि थोड़ा सा अच्छा दिखे ब्लेजर। तो वैसे आप ब्लेजर को जॉब देने का बारी आ गया, तो जो भी जॉब दे देते हो उसको रख दो, और जो भी जॉब ले लेगा तो इसको तोड़ के उसको सामने लगा देना है। तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ फिलर, और इधर लगा देता हूँ। तो ये लिया था, तो इस इधर लग दूंगा, किंतु लेकिन इसको लगाने से पहले इधर वाटर डाल देना है, और वाटर डाल के तुरंत ही ब्लॉक लगा देना है जो जॉब वाला। इससे क्या होगा, वो डिस्पॉन नहीं होगा, और इधर कोई भी स्पॉन नहीं होगा, विलेजर से रहेगा, और इसका और दूसरा रीज़न नहीं है। तो गाइस, 2 मिनटों में काम भी ख़त्म करके आता हूँ। तो गाइस, मुझसे शायद कुछ गलती हो गया, इसके लिए गोल्डन स्पॉन नहीं हो रहा, और मैं दिखा रहा हूँ क्या गलती हो गया। जो मैं फिलहाल स्पेक्टर मोड में, चीटिंग मत करना, मैं चीटिंग कर रहा ऐसा कुछ मत करना। तो गाइस, ये जो बेड है इसके ऊपर भी बेड था, लेकिन उस तक विलेजर पहुँच नहीं रहा, मतलब सेट नहीं हो रहा। तो मैंने क्या करा, ऊपर का जो भी बेड था मैं नीचे लगा दिया, मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा, तो मैं इधर लगा दिया। तो अब मुझे विलेजर का दोबारा जॉब देना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों को मालूम है शायद बेड को तोड़ लेने से विलेजर का जॉब गायब हो जाता है। तो मुझे दोबारा वह जॉब देना पड़ेगा। तो 2 मिनटों में काम ख़त्म करके आता हूँ, क्या ही बोलो। तो गाइस, फाइनली हम आयरन फार्म वर्क कर दिए, मैं दिखा रहा हूँ। अभी गोलेम स्पॉन हुआ है। तो गाइस, फाइनली मेरा गोलेम सॉरी आयरन फार्म रेडी है। जी हाँ गाइस, गाइस मेरा आयरन फार्म अभी रेडी है और फुली वर्क कर रही है। पीछे भी देख रहा हूँ, गोल्डन स्पॉन हुआ है। और गाइस, हमारा एपिसोड इधर भी ख़त्म होता है। और एक बात कह दो, तो मैं बहुत दिनों से वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब में, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ, और मेरा
चैनल जो भी है, तो फिलहाल डेट की ओर जा रही है क्योंकि तुम लोग लाइक नहीं करता और कमेंट नहीं करता, इसके लिए मेरा वीडियो रीच नहीं बढ़ता। अब क्या ही करें, तो गाइस मैं अब यूट्यूब छोड़ दूंगा क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहा। अब क्या ही करें, बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूँ, अब व्यूज़ नहीं आता तो क्या कर सकते, और इसको और कंटिन्यू नहीं कर सकते। हो सकते है तो इस वीडियो को लाइक कर देना जैसे कि मेरा वीडियो रीच बढ़ जाए। तो गाइस हो सकते हो तो इसको शेयर कर देना, सिर्फ इस वीडियो को थोड़ा सा अपने भाई की तरफ से रिक्वेस्ट है। तो गाइस कर देना, मिलते हैं, सी यू सून।